क्वेश्चन फाइव ऑफ होमवर्क सेक्शन, क्वेश्चन फाइव क्या इंफॉर्मेशन दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री शिवम एज ऑन 31 मार्च, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स क्या दी है? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 30,000 है. न्यू मशीन हमने इंस्टॉल किया था 1 अप्रैल को फॉर 3,000. नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस वॉज पास्ड इन बुक्स, कोई एंट्री पास ही नहीं किया. वेजेस 1,000 पेड फॉर इंस्टॉलिंग मशीन वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. डेटर्स, ऑफ द डेटर्स 200 आर बैड डेट्स आर टू बी रिटन ऑफ एंड यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज वेल एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. गुड्स ऑफ 2,000 वर गिवन एज फ्री सैंपल्स फॉर पब्लिसिटी. डेप्रिसिएशन दिया है ऑन फिक्स्ड एसेट. ऑन 1/4/2004 मशीनरी ऑफ द वैल्यू 10,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड. सेटल्ड मतलब मनी वॉज पेड 8,000, बट इट वॉज क्रेडिटेड टू मशीनरी. सो 8,000 वॉज क्रेडिटेड टू मशीनरी, मिस्टेक है, विल रेक्टिफाई दैट. And goods of 1,000 were sent to customer for 1,200 on 30th March on sale or return basis. This was recorded as actual sales. आगे कुछ specify नहीं किया है, तो हम लोग हमेशा यही मानेंगे that for these goods sent, approval is still not received. तो start करते हैं with adjustments. Stock on 31/3/2005 is valued at 30,000. Closing stock is 30,000. Closing stock. एंट्री पास होता है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. फिर अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल फॉर 3,000, जिसका कोई एंट्री बुक्स में पास हुआ ही नहीं है. हमने मशीनरी परचेज किया है लेकिन वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा. मशीनरी परचेज किया है तो मशीनरी विल इंक्रीज, मशीनरी अकाउंट डेबिट. एंड पेमेंट दिया है कि नहीं दिया है इस मशीनरी के लिए, वी विल अज्यूम पेमेंट फॉर दिस मशीनरी इज येट टू बी गिवन, अभी तक दिया नहीं है. तो आउटस्टैंडिंग फॉर मशीन लायबिलिटी साइड शो करेंगे. मशीन ट्रायल बैलेंस में देखिए दिया है आपको. प्लांट एंड मशीनरी 60,000 गिवन है. प्लस परचेज ऑफ मशीनरी, न्यू परचेज ऑफ मशीनरी इज 3,000 एंड आउटस्टैंडिंग फॉर मशीनरी लायबिलिटी साइड शो करेंगे. हमने ऐसा माना है ये जो मशीन परचेज किया है इसका पेमेंट देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर मशीनरी विल शो ऑन लायबिलिटी साइड. वेजेस ऑफ 1,000 पेड फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन वॉज डेबिटेड टू वेजेस. मशीन इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किया है, वो तो मशीन में ही ऐड होना चाहिए. हमने गलती से वेजेस में इंक्लूड कर दिया है, तो अभी क्या करेंगे? वेजेस को रिड्यूस करेंगे, मशीन को इंक्रीज करेंगे. मशीन टू वेजेस, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन. वेजेस हमको दिया है 30,000. नेक्स्ट ऑफ द डेटर्स, तो फर्स्टली लुक एट डेटर्स. डेटर्स आर टोटल 20,400.
डेटर्स आपको दिया है 20,400. ऑफ द डेटर्स 200 आर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट. 200 बैड डेट राइट ऑफ करना है. एंट्री पास हो जाएगा बैड डेट टू डेटर्स. बैड डेट टू डेटर्स 200. एंड वेयर विल यू ट्रांसफर बैड डेट? सर, बैड डेट अगर हमने लास्ट ईयर, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर प्रोविजन क्रिएट किया था फॉर बैड डेट, तो बैड डेट अकाउंट विल बी क्लोज एंड ट्रांसफर टू दैट प्रोविजन. लास्ट ईयर फॉर बैड डेट कोई प्रोविजन नहीं बनाया था तो बैड डेट विल बी क्लोज एंड ट्रांसफर टू पीएनएल. तो चेक कीजिए ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट है. इज देयर एनी प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस? नो. सो इन लास्ट ईयर देयर वॉज नो प्रोविजन क्रिएटेड. So this bad debt will be closed and transferred to P&L. Trial balance में bad debt 800 दिया है, तो bad debt 800 plus 200, total 1000 हम transfer कर देंगे to P&L. Remaining balance in debtors is 20,200. Remaining balance in debtors is 20,200. Now you are required to maintain a provision for doubtful debt at 5% on debtors. Provision for doubtful debt at 5%. 5% of 20,200 will be 1010. ₹19,190 is remaining balance of debtors. To create this provision, entry again will be P&L to provision for doubtful debt. P&L to provision for doubtful debt. And we are also supposed to create a provision for discount on debtors at 2%. So remaining balance of debtors 19,190, us pe 2%. It will be 384. Provision for discount on debtors. To create this provision, entry again will be P&L to provision for discount. Next, goods costing 2000 were given away as free samples. Journal entry socho. 2000 का गुड्स आपने एज फ्री सैंपल्स दे दिया है. एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. सो 2000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज. एंड क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, पीएनएल में शो करेंगे. परचेज हमको ट्रायल बैलेंस में दिया ही है. परचेज 1,70,000 गिवन है. Minus goods given as samples. And ये 2000 हम अपने P&L में शो करेंगे as publicity or advertisement expense. Is there any advertisement expense given in trial balance? No. So this is the only advertisement we are doing. Depreciation on plant and machinery is 20%, on furniture and fixtures 10%. तो पहले furniture and fixtures पे ले लेंगे.
फर्नीचर एंड फिक्चर्स 8,000 दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी 10%, 800. Now, before calculating depreciation on plant and machinery, sixth adjustment read karenge. On first date of this year, machinery whose value was 10,000 was destroyed by fire. 10,000 ka machine destroyed tha. To correct entry humko kya dena chahiye tha? Insurance company se 8,000 mila hai sir. Entry aana chahiye cash debit 8,000, loss debit. Loss on loss by fire 2000 या loss by accident 2000 to machinery 10,000. But they are saying ये जो insurance company से claim मिला है 8,000 that is credited to machinery. मतलब wrong entry, this is the correct entry they need to pass. Wrong entry they have passed is cash account debit to machinery account. ये wrong entry pass हो गया है, तो आप खुद बोल सकते हैं what should be the rectification entry? Loss debit करना है 2000 से, machinery और credit करना है 2000 से, तो rectification entry will be loss account debit to machinery, loss account debit to machinery, loss transfer करेंगे to P&L. And will be credited to machinery. So now remaining balance in machinery, it is 64 minus 2, 62,000. On this remaining balance, we need to calculate depreciation. Depreciation on machinery is at 20% per annum. $49,600 written down value for machinery. करेक्ट. लास्ट 1000 का गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था एंड गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर सेंड टू कस्टमर फॉर 1200 ऑन 30th मार्च फॉर सेल और रिटर्न बेसिस. दिस वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स. फर्स्टली क्या ये सेल्स है? नहीं, तो हमें सेल्स एंड डेटर्स दोनों को 1200 से रिड्यूस करना है. सेल्स कितना है? 2,64,000 is your sales. And we need to reduce our debtors by 1200 as well. Debtors को भी 1200 से reduce करना है.
बैड डेट 200 लेस करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी ऑन 19,000, 5% विल बी 950. Provision for doubtful debt will be 950. Remaining balance, उस पे provision for discount. It will be 361. Provision for discount will be 361. So, goods of 1000 were treated as sales. हमने sales cancel कर दिया. At the same time, since these goods are still not sold, ये goods हमारी ownership का है, हमारे stock में आना चाहिए. तो entry will be inventory with customer to trading. Inventory with customer account debit to trading at cost. Inventory with customer 1000 to trading. After all adjustments, effects in trial balance, capital हमको दिया है 1,60,000. Drawings 24,000. फिर patents 40,000. Patents 40,000, an intangible asset. Now, these patents are taken on first date of this year. 1-4-2004, matlab first date of this year for 10 years. So, this amount paid for taking this patent right, ye patent right lene ke liye jo amount humne pay kiya hai, that is for 10 years. So, for 10 years, amount paid is 40,000. What will be amount paid for 1 year? 40,000 divided by 10, 4,000. So, can we say, ye jo 40,000 ka payment humne diya hai, isme se ek saal ka benefit, is saal derive kar liya. To wo benefit jo is saal derive kar liya, wo to is saal ka expense hai. Matlab wo hume patents mein se minus karna hai. Write off karna hai. और वो शो करना है एनआर पीएनएल. फिर ओपनिंग स्टॉक 40,000. Salaries 14,800. Wages, we have recorded 30,000. Sales ho gaya. Cash in hand 13,250. Value of land 28,350.
loan from Shyam, 20,000. Now, this loan is taken from Shyam on 1st October. 6% diya hai, matlab uspe 6% interest calculate karna hai. 20,000 pe 6% for 6 months. 1st October se 31st March. 20,000 pe 6% for 6 months comes to 600. Check kijiye, interest on loan dekho niche diya hua hai. Kitna diya hua hai? 300. So, we would say out of 600, 300 is paid. And balance 300 is outstanding. Interest on loan. 300 is paid. Plus outstanding interest. And this outstanding interest on loan is also our liability. Postage and tax, 3,000. Postage and fax, sorry. Rent, rates, taxes, 7,200. Creditors, 24,000. Discount credit diya hai, matlab discount received, 1,200. Carriage inward, that is carriage on purchase, 400. Insurance, to wo insurance premium hai, 1,600. Traveling expenses are 1,000. Sundry expenses, 600. Cash at bank, 20,500. Bank balance. And lastly, bank overdraft, 15,000.
ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलता है 56,400। नेट प्रॉफिट इज 5,289। प्लीज पॉज एंड कॉपी। सो फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन सिक्स इन योर होमवर्क सेक्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फॉलोइंग इज शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस, दैट इज नथिंग बट ट्रायल बैलेंस ऑन 31/3/17 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ श्री गावस्कर हु कैरीज ऑन बिजनेस अंडर द सेम नेम in style of Messrs. Gavaskar, Vishwanath and Company at Bombay. Trial balance आपको दिया है, trial balance के बाद दिया है you are supposed to prepare trading PNL and balance sheet after making provision for the following. First, depreciation on various fixed asset बोला है first point में, second closing stock दिया है, third 2 months rent for godown is outstanding, fourth interest on loan from Vishwanath is payable at 12% and loan was taken on 1/5/2016, reserve for bad debt maintain karna hai, insurance premium includes 40,000 paid for life insurance premium and balance insurance charges were for 1st April to 30th June तो हम लोग एक एक करके पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है डेप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाय 5%। तो अब ट्रायल बैलेंस में देखिए, बिल्डिंग आपको दिया है 6 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, depreciation on building will be at 5%, that is 30,000. Depreciation आप transfer करेंगे to your PNL.
फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 10% एट द सेम टाइम. वन स्टील टेबल विच इज पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑब्वियसली, वन स्टील टेबल परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 वॉज सोल्ड फॉर सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. करेक्टली कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर आपने बेचा है तो करेक्ट एंट्री कैश टू फर्नीचर होना चाहिए. हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया, कैश टू सेल्स, उसे सेल्स में क्रेडिट कर दिया. तो अब रेक्टिफाई करेंगे, क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगा, कैश टू सेल्स रॉन्ग एंट्री, कैश टू फर्नीचर करेक्ट एंट्री. तो रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी यस सेल्स टू फर्नीचर. सेल्स टू फर्नीचर मतलब सेल्स डेबिट करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे और फर्नीचर भी रिड्यूस करेंगे. सेल्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, सेल्स इज 23 लाख. माइनस सेल ऑफ फर्नीचर, एंड एसेट साइड वी विल ऑल्सो रिड्यूस वैल्यू ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर एसेट साइड हमको दिया हुआ है, फर्नीचर इज 2,14,000 एंड देन ऑन दैट रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 2 लाख डेप्रिसिएशन इन करंट ईयर. फर्नीचर पे करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 10%. नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%. एट द सेम टाइम दे आर सेइंग देर वॉज अ टाइपराइटर परचेज. टाइपराइटर इज एन ऑफिस इक्विपमेंट. सो देर वॉज अ टाइपराइटर परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज. टाइपराइटर परचेज किया है तो करेक्ट एंट्री ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग एंट्री परचेज टू कैश. तो रेक्टिफाइंग एंट्री सर ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेज. तो वी विल एड इट टू ऑफिस इक्विपमेंट एंड विल डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज. ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 दिया है. ₹40,000 का न्यू टाइपराइटर परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर. सो टोटल ऑफिस इक्विपमेंट इज ऑफ ₹2,00,000. डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन बाद में, परचेज आपको 14 लाख दिया है. Now depreciation on office equipment is to be charged at 15%. 2 lakh ka 15%, 30,000. मोटर कार बाय 20%. मोटर कार 2 लाख दिया है. मोटर कार इज 2 लाख.
फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 4,40,000, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है बेट टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू मंथ्स रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। सी रेंट आपको कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में, रेंट फॉर गोडाउन 55,000 दिया है। रेंट 55,000 दिया है एंड एट द सेम टाइम दे आर सेइंग टू मंथ्स का गोडाउन रेंट आउटस्टैंडिंग है। टू मंथ्स का रेंट हमने पे नहीं किया है। अच्छा, टू मंथ्स का पे नहीं किया है तो वो टू मंथ्स का बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा। तो सर पे कितने मंथ्स का किया है? आउट ऑफ 12 मंथ्स टू मंथ्स का पे नहीं किया है, मतलब वी हैव पेड रेंट फॉर 10 मंथ्स। सो दिस रेंट गिवन इज एक्चुअली रेंट ऑफ 10 मंथ्स। तो हाउ मच विल बी रेंट ऑफ टू मंथ्स? 10 मंथ्स का 55,000 है तो फॉर टू मंथ्स इट विल बी 11,000। तो दैट 11,000 इज आउटस्टैंडिंग। एंट्री पास हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट में ऐड करेंगे एंड आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में शो करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम and this loan was taken on 1/5/16. See, loan from Vishwanath आपको दिया हुआ है, loan from Vishwanath 3,00,000 दिया है, loan from Vishwanath is 3,00,000. on this loan इंटरेस्ट हमको एक तो कैलकुलेट करना है एट 12% एंड वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कहां से करना है? सर हमको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है फ्रॉम 1/5/16। तो 1/5/16 से 31st March 17, 1/5 से 31st March, 11 मंथ्स का रेंट पे करना है हमको, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट सॉरी पे करना है ऑन 3,00,000, 12% फॉर 11 मंथ्स, इट कम्स टू 33,000 ऑन 3,00,000, 12% into 11/12, it comes to 33,000. अब चेक करो ट्रायल बैलेंस में, इज देर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन? ट्रायल बैलेंस में देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000 गिवन है, 33,000 पेएबल था, उसमें से 27,000 वी वुड से इज ऑलरेडी पेड, सो रिमेनिंग 6,000 इज आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो दैट 27,000 इज पेड, पे करना था 33,000 तो 6,000 इज आउटस्टैंडिंग एंड दिस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल बी एडेड टू लोन इन लायबिलिटीज। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो सबसे पहले देखिए ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स आपको दिए हैं, सन्ड्री डेटर्स आर ऑफ 8,60,000 आई सपोज, सन्ड्री डेटर्स आर ऑफ 8,60,000। प्रोविजन या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट व्हाट रेट? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, तो 5% विल बी 43,000।
ट्रायल बैलेंस में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000 दिया है, तो हम लोग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया है, वी विल से दैट इज क्रिएटेड लास्ट ईयर, वो इस साल बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है 30,000। ट्रायल बैलेंस में ही देखिए बैड डेट भी होगा, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है, बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है 20,000। बैड डेट क्लोज करके आरडीडी अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा ना, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। फॉर नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है? फॉर नेक्स्ट ईयर सर हमको 43,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, 5% ऑफ डेटर्स, तो 43,000 का बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए मेंटेन करना है। तो बैलेंस जितना कम पड़ेगा That will be transferred from P&L account this year, 33,000। तो P&L में हम लोग शो करेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या ट्रांसफर टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 33,000। लास्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, मतलब 40,000 इज ड्रॉइंग्स, सो शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम एंड शुड बी एडेड टू योर ड्रॉइंग्स। इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में 55,000 दिया है, माइनस कर देंगे LIC प्रीमियम ऑफ 40,000 एंड दैट LIC प्रीमियम ऑफ 40,000 विल बी इंक्लूडेड इन हिज ड्रॉइंग्स। For remaining, they are saying balance insurance charges are from 1st April to 30 June. बाकी का जो insurance charges है, balance insurance charges, that is 15,000. That is from 1st April to 30 June. 1st April 16 से 30 June 17 are 15 months. 1st April से 30 June, 15 महीने होते हैं. तो ये जो बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस है, दिस इज फॉर 15 मंथ्स। हमारे अकाउंटिंग ईयर में तो 31 मार्च 17 तक का ही पीरियड आता है, 12 मंथ्स का ही पीरियड आता है। तो 1/4/17 से 30 जून 17 का जो इंश्योरेंस है, दैट इज प्रीपेड। 15 मंथ्स का 15,000, तो 3 मंथ्स का कितना सर? 3,000 इज प्रीपेड। और वो प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस हम शो करेंगे इन आर बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गया, तो कैश इन हैंड 14,000। कैश एट बैंक 14,000। डेटर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक 6,20,000,
creditors 4,30,000. लोन वी हैव रिकॉर्डेड, प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न 26,000. सेल्स 23 लाख हो गया, सेल्स रिटर्न 42,000. सैलरीज 1,10,000. रेंट इंटरेस्ट हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस 21,000. डिस्काउंट अलाउड 24,000. डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000. फ्रेट ऑन परचेजेस 12,000. कैरेज आउटवर्ड 20,000. Drawings 1,20,000. Printing and stationery expense 18,000. Electricity charges 22,000. इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000. बैड डेट वी हैव रिकॉर्डेड, बैंक चार्जेस 16,000. मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000. कैपिटल 16,20,000.
this is not 14, this is 40. ग्रॉस प्रॉफिट मिला 7,18,000। नेट प्रॉफिट इज 1,73,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 23,80,000। तो पॉज एंड कॉपी। फ्रेंड्स क्वेश्चन 7 देखेंगे इन योर होमवर्क सेक्शन। क्वेश्चन 7 इन योर होमवर्क सेक्शन। होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन 7 अगर आप देखें तो यू आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट सम एक्सपेंसेस एंड इनकम्स लाइक ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ड इज परचेज एक्सपेंस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स दिया है, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड दिया है, and also you are given closing inventory. See, this is only an information provided. ये trial balance नहीं दिया है आपको, खाली information एक दिया है. सब ledger accounts के balances दिए हम बोल सकते हैं. From the above information, you are supposed to prepare trading account of Messrs. ABC Traders for the year ended 31st March 17. Pass necessary closing entries in the journal proper of ABC Traders. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी हमको पास करनी है.
राइट फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विथ हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है. क्या होगा ओपनिंग स्टॉक? सर इस साल का एक्सपेंस होगा. कौन सा बैलेंस होगा उसका? डेबिट बैलेंस होगा. तो उसको क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट एंट्री फॉर ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? सर इट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख. तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इसको शो करेंगे ऑन डेबिट साइड. टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज दिया है सर, परचेज दिया है 6,72,000. लेकिन फिर नीचे सेकेंड लास्ट आइटम देखिए, रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स जा रहा है मतलब परचेज रिटर्न दिया है. तो परचेज रिटर्न पहले क्लोज करेंगे और ट्रांसफर करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट. परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा सर. एंट्री पास होगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट. परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 72,000. परचेज में से माइनस कर दिया है. परचेज 672 था, आपने 72,000 माइनस कर दिया है. तो अब नेट परचेजेस कितना बच गया? 6 लाख सर. तो वो नेट परचेज अब क्लोज करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे टू ट्रेडिंग. एंट्री हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट सिक्स लाख 72,000 माइनस 72,000. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. सर उसी तरह परचेज एक्सपेंसेस भी दिए हैं. कैरेज इन्वर्ट दिया है, वेजेस दिया है 30,000 एंड 50,000. ये एक्सपेंसेस क्लोज करके ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे. तो ये एक्सपेंसेस क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा ना. एंट्री पास हो जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैरेज अकाउंट 30,000 एंड टू वेजेस अकाउंट 50,000. तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू कैरेज, दैट इज कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस फिर सेल्स दिया है. लेकिन सेल्स के ही नीचे सेल्स रिटर्न भी दिया है, रिटर्न इनवर्ड, गुड्स आर कमिंग बैक. तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न पहले क्लोज करके सेल्स में ट्रांसफर करेंगे. सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, एक्सपेंस है डेबिट होता है. क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा ना. तो सेल्स रिटर्न का क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगा सर? इट विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न. सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न. सेल्स डेबिट किया मतलब आपने सेल्स को 1 लाख से रिड्यूस किया, कम कर दिया. सेल्स 1 लाख से कम हो गया मतलब सेल्स अब बुक्स में क्या प्राइस पे आ गया? 11 लाख माइनस 1 लाख 10 लाख पे सर.
सेल्स आपकी बुक्स में अब क्या प्राइस पे आ गया, 10 लाख पे सर। उसको क्लोज करके ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे सर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय सेल्स अकाउंट। लास्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इज क्लोजिंग स्टॉक पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट? नो सर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट, उसका ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। हमने अपना टोटल खर्चा ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन वो टोटल खर्चा इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे इस खर्चे का वो पार्ट है, हमारे टोटल एक्सपेंस का वो हिस्सा है जो इस साल इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, तो हमारी कॉस्ट में से, हमारे खर्चे में से उसे निकाल देना पड़ेगा। तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या देंगे सर? खर्चे में से निकालना है मतलब उसे ट्रेडिंग में क्रेडिट करना है, तो एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, हाउ मच इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री? 2 लाख। मतलब ये एंट्री पास करके आपने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्लोज नहीं किया बुक्स में, आपने तो ये एंट्री पास करके क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्रिएट किया है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट लाए हो आप बुक्स में। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल दीज आइटम्स, ये सारी आइटम्स ट्रांसफर करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंस बच जाएगा, विल से दैट इज आर प्रॉफिट। जो भी बैलेंस बच जाएगा दैट इज नथिंग बट आर ग्रॉस प्रॉफिट। कितना बैलेंस है सर? 7,80,000, तो 12 लाख माइनस 7,80,000, 4,20,000 इज बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दिस बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू PNL अकाउंट सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने का क्या एंट्री देंगे? इट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू PNL। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू PNL, या एक कंबाइंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। तो कैसे हमने एंट्रीज पास किया और फिर उसका पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट में किया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके इतना कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन 8, फॉलोइंग आर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट provided by Miss Shivi related to the year, accounting year का आपको 3 अकाउंट दे दिया है, but there are certain figures missing on these accounts, कुछ missing figures भी दिया है। Raw material के account में आप देखें तो creditors, raw material consumed, closing stock, 3 चीज़ें missing है। creditors के account में अगर आप देखें तो opening closing balance दे दिया है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे दिया है, बट परचेज इज नॉट गिवन। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आप देखें, रॉ मटेरियल कंजम्पशन दैट इज मिसिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे आर सेइंग परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%, wages include following, paid to factory workers and paid to laborers at office. Direct expenses include electricity charges of 80,000, of which 30% pertained to office.
फ्यूल चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड्स, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स आपको दिया है, आपको एक रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट प्रिपेयर करना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। फर्स्टली लुक एट द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। पहला दिया है मशीनरी 10 लाख का परचेज किया था जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ओमिट कर दिया है। अगर वो मशीन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो ऑन दैट मशीन डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। डेप्रिसिएशन जो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिख रहा है, डेप्रिसिएशन इन बुक्स अभी 2 लाख रुपीस जितना डेप्रिसिएशन बुक्स में दिख रहा है and depreciation still not charged। कितना depreciation आपने charge नहीं किया है तो on that machinery of 10 lakh which was not shown in books उस पर आपने अभी तक depreciation charge नहीं किया है। तो can we say revised figure of depreciation will be 3 lakh? Revised value of depreciation is 3 lakh। सिमिलरली वेजेस, वेजेस इन बुक्स कितना दिख रहा है? सर वेजेस इन बुक्स अभी 3,50,000 दिख रहा है। आउट ऑफ दैट 3,50,000 वेजेस विच इज पेड टू फैक्ट्री वर्कर, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है। बट वेजेस विच इज पेड टू लेबर एट ऑफिस वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, तो वो इसमें से लेस करना पड़ेगा। वेजेस ऑफ लेबर एट ऑफिस, सो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ वेजेस विल बी 3 लाख। रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ वेजेस इज 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,44,000 दिया हुआ इन बुक्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन बुक्स इज 2,44,000। नाउ दीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्स्टली इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000 ऑफ विच 30%, 80,000 का 30%, 24,000 इज फॉर ऑफिस। If that is for office, again we would say that is not related to production. तो minus कर देंगे इसमें से electricity charges for office. Electricity charges for office 24,000. Fuel charges. Yes, that is related to production. वो इसमें रहने देंगे। Freight inward, yes, even that is related to production. इसमें रहने देंगे। Delivery charges to customers. Delivery charges to customers, selling expense है। वो production या factory से related expense नहीं है। वो भी again deduct कर देंगे। Delivery charges 20,000. So direct expenses revised value will be 2 lakh. तो अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उसका वैल्यू भी नहीं पता है, वेजेस, न्यू रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ वेजेस 3 लाख, डेप्रिसिएशन, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिवाइज्ड वैल्यू फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख, ट्रेडिंग अकाउंट, नाउ व्हाट वैल्यू वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, या क्या वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, क्या अमाउंट हमको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए? तो वी वुड से ये तीनों खर्चों में, ये तीनों कॉस्ट में अगर चेंज हुआ है तो दिस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट मस्ट ऑल्सो हैव बीन चेंज्ड। ये तीनों अगर चेंज हुआ है तो 17,94,000 ट्रांसफर नहीं होगा ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट? अच्छा, व्हाट डू यू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट? आप ट्रेडिंग अकाउंट में 17,24,000 ट्रांसफर कर रहे हो, 17,94,000, व्हाट इज दिस 17,94,000? सर, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी टोटल कॉस्ट है, टोटल खर्चा है, वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया है। अगर डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया बाय 1 लाख, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा ना, मतलब ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन 1 लाख, डेप्रिसिएशन 1 लाख से बढ़ा तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, खर्चा, वो भी बढ़ जाएगा। वेजेस 50,000 से कम हो गया है, वेजेस कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया, वो भी कम हो जाएगा। डिक्रीज इन वेजेस एंड सिमिलरली डिक्रीज इन डायरेक्ट एक्सपेंस, डिक्रीज इन डायरेक्ट एक्सपेंस विल ऑल्सो रिड्यूस, खर्चा कम हो रहा है तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस टोटल 44,000 से रिड्यूस हुआ है तो 18 लाख करेक्टली ट्रांसफर होना चाहिए टू ट्रेडिंग अकाउंट एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ट्रेडिंग में कितना ट्रांसफर होना चाहिए? 18 लाख। तो कैन वी से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज बैलेंसिंग फिगर दैट इज 10 लाख, करेक्ट। दिस रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अकाउंट में से मिला होगा ना, दिस रॉ मटेरियल कंजम्पशन ये हमें कहां से मिला होगा? वी वुड हैव रिसीव्ड दिस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अकाउंट। रॉ मटेरियल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक सी दैट इज गिवन, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर विल इंक्रीज योर रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड लिखा है माइनस होगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। बैलेंसिंग फिगर विल बी योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और ये बैलेंसिंग फिगर हमें यहां से मिल गया 10 लाख। रॉ मटेरियल का अकाउंट अगर देखें तो और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? रॉ मटेरियल के अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 1 लाख दिया हुआ है, परचेज
नहीं पता है, क्लोजिंग स्टॉक वो भी नहीं पता है, परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल टू क्रेडिटर्स कितना है नहीं पता है, क्लोजिंग स्टॉक वो भी नहीं पता है, मतलब दो दो चीजें मिसिंग है सर। तो आगे थर्ड अकाउंट देखते हैं, क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस हमको दिया है 15 लाख। इस साल की शुरुआत में क्रेडिटर्स 15 लाख के थे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 22 लाख दिया है, पेमेंट दिया क्रेडिटर्स को, तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स टू बैंक। क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर गिविंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, 6 लाख सर। तो खुद सोचिए, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है, मतलब 22 लाख पेमेंट दे दिया है, 6 लाख अभी भी पे करना बाकी है, तो टोटल परचेज 28 लाख का किया होगा। 22 लाख का पेमेंट दे दिया है, 6 लाख अभी भी पे करना बाकी है, तो टोटल गुड्स परचेज 28 लाख, उसमें से ओपनिंग बैलेंस 15 लाख है, मतलब परचेजेस ऑफ लास्ट ईयर, जिसका पेमेंट लास्ट ईयर देना बाकी था, 15 लाख है, तो रिमेनिंग वुड बी परचेजेस इन करंट ईयर। इस साल का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इस साल का रॉ मटेरियल परचेज, बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा हमको, इट इज 13 लाख। तो रॉ मटेरियल परचेज 13 लाख हमको मिला, वो हम रॉ मटेरियल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू रॉ मटेरियल अकाउंट, एंड इन दिस रॉ मटेरियल अकाउंट बैलेंस नाउ रिमेनिंग विल बी नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक सर। Closing stock of raw material comes to 4 lakh. तो जो भी information missing था, हमने simply accounts में balancing figure find करके वो missing information calculate किया। तो आप लोग screen pause करके पूरा सब अच्छे से copy करेंगे। Friends, question 9 in your homework section. We are looking at question 9. We are given balance sheet of Mr. Popatlal, a merchant on 31st March, stood as below. Balance sheet diya hai. Aur 1st April 2017 ka opening entry Mr. Popatlal ki books mein pass karna hai. Opening entry kaise pass karte hain? In books of P. Popatlal, we are passing this entry on 1st April 2017. ये सारी assets and liabilities जो last year की books में है, इस साल की books में लेके आएंगे। Fixed assets account debit, ₹1,25,600. Inventories account debit, ₹2,06,400. Trade receivables account debit, ₹1,88,000. See, provision for doubtful debt is only shown as deducted. It is not actually deducted. It's a liability. Cash account debit, $36,200.
to trade payables. $1,64,000 to bank overdraft. $1,46,000 to provision for doubtful debt. And to capital, $2,40,000. Clear. Pause and copy. Question 10, friends. Question 10 in homework section. Following is trial balance of Mr. T on 31st March 18. Trial balance ke baad diya hai. Closing stock is 1 lakh. Depreciation to be provided at 10% on addition to fixed asset. Scrutiny of books revealed following. As 20,000 drawn from bank was debited to drawings. But out of this amount, 12,000 was used for business expense. So 20,000 mein se 12,000 hume drawings mein se less karke business expense mein add karna hai. Purchase of goods 16,000 not recorded in books, will record that. Purchase return of 1,000 recorded as sales return. But amount was correctly posted to customer party's account. And expense include 6,000 for the period after 31st March 18. So 6,000 jitna expense prepaid ho gaya. Prepare final accounts. So start karenge with adjustments. Closing stock 1 lakh. Closing stock account will also appear in our assets. Depreciation. See, fixed assets aapko diya hai, opening balance 1,40,000. Plus, also there is some addition during the year. There is addition of 2 lakh. So, total fixed asset is 3,40,000. Depreciation is at 10% per annum. 1,40,000 pe to pure saal ka aega depreciation 14,000. Plus, on this addition, 110 ko addition hua hai, to 6 months ka depreciation. So 24,000 will be current year's depreciation. फिर 20,000 जो विड्रॉ किया था बैंक से हमने पूरा ड्रॉइंग्स में डेबिट कर दिया था करेक्टली 12,000 बिजनेस का एक्सपेंस था तो 12,000 ड्रॉइंग्स में से लेस करके बिजनेस एक्सपेंस में ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स हमको 70,000 दिया है तो फॉर अस ड्रॉइंग्स विल बी नॉट 70 इट इज 70 माइनस 12
drawings 58,000 rupees. Business expenses 50,000 diye hain. So 12,000 will be added to business expense. फिर परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड कर देंगे. परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेज 16 लाख दिया है. प्लस अनरिकॉर्डेड 1,000. Plus unrecorded 16,000. Sorry. Creditors. Creditors 2,20,000. नेक्स्ट परचेज रिटर्न ऑफ 1,000. परचेज रिटर्न अगर 1,000 का है तो करेक्ट एंट्री क्या देना चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या देना चाहिए. परचेज रिटर्न अगर 1,000 का है करेक्ट एंट्री क्या देना चाहिए. पार्टीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, करेक्ट. पार्टीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 1,000. हमने गलती क्या किया, रॉन्ग इंपैक्ट हमारे बुक्स पे क्या पड़ा, रॉन्ग इंपैक्ट हमारे बुक्स पे क्या पड़ा. हमने इसे सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में, वहां से डेबिट साइड पोस्ट हुआ होगा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. फिर बोल रहे हैं पार्टी के अकाउंट में तो करेक्ट पोस्टिंग हुआ ही है, सो पार्टीज अकाउंट करेक्टली डेबिट होना चाहिए, हमने डेबिट ही किया है. मतलब रॉन्ग इंपैक्ट हमारे बुक्स पे क्या पड़ा, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, पार्टी का अकाउंट भी डेबिट हो गया, दोनों अकाउंट डेबिट साइड ही रिकॉर्ड हुए. तो इस मिस्टेक के कारण ट्रायल बैलेंस के टोटल में डिफरेंस आया होगा, ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो इस मिस्टेक के कारण ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हुआ होगा. कितना डिफरेंस आया होगा, सर डेबिट 2,000 किया, क्रेडिट कुछ नहीं किया, तो 2,000 क्रेडिट साइड कम आ रहा होगा. 2,000 जो क्रेडिट साइड कम आ रहा है हमने उसे ट्रांसफर किया होगा टू सस्पेंस अकाउंट. तो देखिए ट्रायल बैलेंस में दिया ही है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड 2,000 दिया है, तो अब उसको क्लोज करेंगे सिंस वी आर रेक्टिफाइंग दिस एरर. रेक्टिफाई करने के लिए रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, टू सेल्स रिटर्न, एंड टू पार्टीज अकाउंट. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पार्टीज अकाउंट डेबिट, पार्टीज अकाउंट क्रेडिट कैंसल हो जाएगा. रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट. सी सस्पेंस क्रेडिट था ट्रायल बैलेंस में, सस्पेंस डेबिट किया तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, अब बैलेंस शीट में शो ही नहीं करना है. टू परचेज रिटर्न, correctly it was purchase return and two sales return. मतलब हमको sales return में से 1,000 minus करना है, purchase return में 1,000 add करना है, ये effect देंगे ना. sales return में से 1,000 minus करेंगे, purchase return में 1,000 add कर देंगे. तो purchase return 69,000 दिया है, उसकी जगह 70,000 हो जाएगा. Purchase return 69,000 plus it has increased by 1,000. So our purchase return will be 70,000.
which will be deducted from purchases. Sales return 99,000 diya hai. Sales return will reduce by 1,000. So sales return will now become 98,000. Expense includes 6,000 for a period after 31st March. So expenses to the extent of 6,000 are prepaid. Capital 6 lakh. Opening stock 60,000. Purchase and returns हम record कर चुके हैं. Sales 22 lakh. Debtors 2,50,000. Fixed deposit with bank 2,00,000. Interest on fixed deposit 20,000, that is our income. Cash and bank balance. So cash balance 1,69,000. कैश का तो क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,000 वुड बी बैंक ओवरड्राफ्ट. सस्पेंस अकाउंट वी हैव ऑलरेडी क्लोज्ड. Depreciation on fixed asset 14,000 trial balance mein diya hai. So we would say 14,000 is already deducted from fixed asset. Khali jo addition hai, usi pe charge karna hai 10,000. So yahan pe hum log depreciation khali jo addition pe hai, wahi show karenge. As 14,000 is already deducted from value of asset. Rent 17,000 is for 17 months. When is our accounting year ending? 31st March. हमने pay कब तक कर दिया है? 31st August. तो April, May, June, July, August. For 5 months it is prepaid. 17 months का 17,000 है. तो for 5 months rent will be 5,000. And that prepaid rent again will appear in our assets. Investments 2,50,000.
1/8/17 को इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसपे 12% इंटरेस्ट मिलेगा हमको, 1/8 से 12% 8 months का इंटरेस्ट, 20,000 इज इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट्स. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आर इनकम पीएनएल क्रेडिट साइड. और क्योंकि ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलना बाकी है, रिसीवेबल इन फ्यूचर है, इट इज ऑल्सो आर एसेट अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. Gross profit comes to 5,96,000. Pause and copy. Now we are looking at solution of past exam questions. Past exam questions mein first question dekhenge. Question 1. Following our balances extracted from books of Shri Raghuram as on 31st March 18, who carries on business under the name and style of Messrs. Raghuram and Associates at Chennai. Trial balance aapko diya hai. After the trial balance, you are supposed to prepare trading P&L and balance sheet
आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर द फॉलोइंग. पहला दिया है डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 10%, ऑफिस इक्विपमेंट एंड मोटर कार. स्टॉक का वैल्यू दिया है, 1 month रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन इज पेएबल एट 10%, एंड दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1/7/17, तो 9 months का इंटरेस्ट चार्ज करना है. रिजर्व फॉर बैड डेट मेंटेन करना है 5% ऑफ डेटर्स. इंश्योरेंस प्रीमियम में 42,000 इज पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो 42,000 इज देयर पर्सनल एक्सपेंस. एंड द बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस कवर पीरियड फ्रॉम 1/4/17 टू 30 June 2018, मतलब जो बाकी का प्रीमियम है दैट इज बीइंग पेड फॉर 15 months, तो उसमें से कुछ अमाउंट प्रीपेड है. स्टार्ट करेंगे विथ डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 5 lakh दिया है एंड इट इज टू बी डेप्रीशिएटेड एट 5%. सेम वे ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, तो ऑफिस इक्विपमेंट आपको 2 lakh दिया है. फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 10%, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 50,000. मोटर कार इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, मोटर व्हीकल्स 1 lakh दिया है. एंड दिस डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. Closing stock is 4,10,000. Closing stock 4,10,000. Closing stock will also appear in our balance sheet. वन मंथ गोडाउन रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो ट्रायल बैलेंस में देखते हैं पहले गोडाउन रेंट हमको कितना दिया है. इन योर ट्रायल बैलेंस रेंट ऑफ गोडाउन 55,000.
Now this rent of godown 55,000 is rent paid. क्यों सर? क्योंकि जो पे किया है उसी का एंट्री पास किया होगा, वही हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया होगा. इफ दे आर सेइंग वन मंथ का आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया है, तो वो वन मंथ का रेंट अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है. कितने मंथ का रेंट रिकॉर्ड हो गया बुक्स में है? 11 मंथ्स. सो इफ फॉर 11 मंथ्स इट इज 55,000, वन मंथ आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी 5,000. टोटल रेंट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर 60,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट हम शो करेंगे इन आर लायबिलिटीज. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन पेबल एट 10% पर एनम. लोन वॉज टेकन ऑन 1/7/2017. तो लोन फ्रॉम राजन आपको 60,000 दिया है. लोन फ्रॉम राजन इज 60,000. इंटरेस्ट ऑन लोन एट 10% बट फॉर 9 months. 1/7 से 31st March, 60,000 into 10% into 9/12 comes to 4,500. कितना इंटरेस्ट राजन के लोन पे करना है? 4,500. ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 4,400 दिया हुआ भी है. इंटरेस्ट ऑन लोन 4,400 गिवन है. सो 100 इज आउटस्टैंडिंग. And this outstanding interest may be shown separately, अलग से show कर सकते हैं या फिर loan में add कर दीजिए. Reserve for doubtful debt maintain करना है at 5% on debtors. तो trial balance में पहले देखते हैं debtors आपको कितना दिया है. Sundry debtors. $2,80,000. Sundry debtors 2,80,000 and you need to make a reserve for doubtful debt at 5%. 5% comes to 14,000. Trial balance में क्या provision for bad debt दिया है? Yes sir. तो हम लोग provision for bad debt का account prepare करेंगे. ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया है 10,000, मतलब लास्ट ईयर हमने प्रोविजन 10,000 का क्रिएट किया था. वी हैड क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर बैड डेट फॉर 10,000. बैड डेट आपको 12,200 दिया है, तो बैड डेट विल बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट. बैड डेट विल बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट. अच्छा, फॉर नेक्स्ट ईयर कितना बैलेंस रखना है, मेंटेन कितना करना है? For next year, you need to maintain balance of 14,000. अगले साल के लिए कितना balance maintain करना है? 14,000. तो जितना कम पड़ रहा है वो इस साल के profit में से लेके आएंगे हम लोग. That is 16,200. From this year's profit, 16,200 will be transferred to provision. Entry दे देंगे PNL to provision for bad debt.
लास्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, तो सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में दिया कितना? इट इज 48,000 सर. इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000 दिया है. आउट ऑफ दिस 48,000, 42,000 इज पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो 42,000 इसमें से एलआईसी का प्रीमियम है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो वो हम इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर देंगे एंड वी विल इंक्लूड दैट इन आर ड्रॉइंग्स. उसे इंक्लूड कर लेंगे इन आर ड्रॉइंग्स. बैलेंस कितना बैलेंस बच गया? 6,000. दैट इज फ्रॉम 1/4 to 30 June. दिस रिमेनिंग प्रीमियम इज फॉर 1/4 to 30 June, मतलब 15 महीने का प्रीमियम है. हमारे अकाउंटिंग ईयर में तो 12 मंथ्स ही आते हैं, तो 3 मंथ्स का प्रीपेड है. प्रीमियम फॉर 3 मंथ्स इज प्रीपेड हियर. 6,000 × 3/15. दिस 6,000 इज फॉर 15 मंथ्स. तो 3 मंथ्स का कितना होगा सर? 3 इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपियर इन आर बैलेंस शीट. प्रीपेड इंश्योरेंस विल अपियर इन आर बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस में अब कैपिटल 14,11,400. परचेज 12 लाख. परचेज रिटर्न आपको दिया है 18,000. सेल्स 15 लाख. सेल्स रिटर्न आपको दिया है 24,000. फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड 62,000. कैरेज आउटवर्ड 8,500. रेट्स एंड टैक्सेस 24,000. सैलरी 72,000. डिस्काउंट अलाउड 7,500. Discount received 12,000. Drawings 20,000. Printing and stationery 6,000.
electricity charges 14,000. All our office and administrative expenses, P&L में, general expenses 11,000, bank charges 3,800. Repairs of motor vehicle 13,000. Creditors 62,000. Opening stock 3,20,000. Opening stock trading debit side. Data हम record कर चुके हैं, cash at bank and cash in hand assets हैं. Cash at bank 22,000. Cash in hand 16,000. So we'll now start calculating profit. Firstly, gross profit. ₹3,22,000 is your gross profit. Net profit comes to 8,700. Net profit 8,000. This is 42,000. Sorry, 42,000. तो 14,11,400 प्लस 8,700 माइनस 42,000 माइनस 20,000 13,58,100 प्लस 62 टोटल ऑफ बैलेंस शीट 14,85,200 Pause and copy.
Friends, question number two in your past exam papers. Mr. Shamal runs a factory which produces detergents. Following details were available in respect of manufacturing activities for the year ended 31st March 19. हमें prepare करना है manufacturing account. Manufacturing account हम हमेशा start करते हैं with direct materials or raw materials. Start करेंगे with opening stock of raw material. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल देखिए हमको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटीरियल 2,60,000 गिवन है प्लस परचेज ऑफ रॉ मटीरियल परचेज ऑफ रॉ मटीरियल 8,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 3,20,000 सो 7,60,000 इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड Cost of raw material consumed. Cost of raw material consumed में हम लोग add करते हैं direct expenses. यहां नीचे देखिए direct wages दिया है आपको. Direct wages कितना है? It is 0.8, 80 पैसा per unit manufactured. How many units are manufactured? Last point, 5 lakh units are manufactured. तो 4 lakh And 40 paisa is direct wages per unit of closing WIP. Now closing WIP is upar dekho diya hua hai. Closing WIP is 14,000 units. So it comes to 5,600. So 4,05,600. 11,65,600 is prime cost. Plus करेंगे factory overheads. उसमें पहले opening WIP 26,000. फिर higher charges of machinery. Higher charges of machinery 70 paisa so 5 lakh into 70 paisa 3,50,000 higher charges of factory higher charges of factory higher charges of factory aapko diya hai 2,60,000 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपको दिया है 1,80,000 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग WIP क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज 48,000 तो जो बैलेंस बच जाएगा फ्रेंड्स दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट
तो 19,33,600 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो हम ट्रांसफर कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। पॉज, कॉपी। Question 3 in your past exams. Question 3, friends. Balance sheet of Mittal on 1st January. 1st January is as follows. So you are given balance sheet on first date of the year. Opening balance sheet diya hai. During 2018, his profit and loss account revealed net profit of, it is rupees 15,10,000. This was after allowing for following. प्रॉफिट जो मिला है दैट इज आफ्टर अलाउइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट प्रॉफिट में चला गया है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब का इफेक्ट प्रॉफिट में दे दिया है, मतलब हमको अब देने का जरूरत नहीं है। बट वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैज फॉरगॉटन टू प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, ये दो इफेक्ट वो प्रॉफिट में देना भूल गया है। His current assets and liabilities on 31st December 18 were trade receivables, cash, trade payables, drawings diya hai 6,20,000 and closing inventories equal to net trade receivables at the year end. Toh humko balance sheet prepare karna hai, but for that we need to make changes in profit. Toh ek revised P&L, ya usko hum naam de dete hain, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। तो वी आर प्रिपेयरिंग अ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू रिवाइज आर प्रॉफिट एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। See, net profit कितना दिया है? Net profit earned during the year, it is 15,10,000. Net profit earned during the year is 15,10,000. इसमें outstanding expense हमने record नहीं किया, 1,85,000. Outstanding expense record नहीं किया है, तो अब record करते हैं। उसका journal entry सोचो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्या देते हैं? सर, इट इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट हुआ तो वो एक्सपेंस हम अपने प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, 1,85,000। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हम शो करेंगे इन आर बैलेंस शीट। सेम वे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 1,25,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एंट्री सोचो, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, एसेट साइड शो करेंगे। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हियर इज गेटिंग क्रेडिटेड, तो उसे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट हमको मिल जाएगा आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स ऑफ दीज टू, करेक्ट नेट प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। टोटल विल बी 16,35,000।
14,50,000 is your net profit. Capital, as in the beginning of this year, capital in the beginning of this year 51 lakh diya hai. Interest on capital add karenge hum log. Sir, interest on capital ka effect to de diya hai. Socho thoda. Interest on capital ka effect profit mein de diya hai. Ye jo capital balance aapne liya hai, ye to capital balance on first date of the year hai. ओपनिंग बैलेंस शीट में से लिया है तो इसमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट अभी देना बाकी है ना, ऐड करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट 6%, इट इज 3,06,000. प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 14,50,000. माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ही हैज विथड्रॉन 6,20,000 फॉर डोमेस्टिक यूज. ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 6,20,000. अपार्ट फ्रॉम कैपिटल लायबिलिटीज में एक्सपेंसेस पेएबल लास्ट ईयर था वो हम इस साल रिकॉर्ड कर चुके हैं 1,85,000. ट्रेड पेएबल्स, तो बैलेंस इन ट्रेड पेएबल्स इज नाउ 13,84,000. क्रेडिटर्स ऑन लास्ट डेट हमको दिया हुआ है 13,84,000. एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स 4,00,000. डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है. प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट प्रिंट नहीं हुआ है, वहां पे आप अमाउंट लिख लीजिए, इट इज 31,00,000. प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट इज 31,00,000. तो प्लांट एंड मशीनरी 31,00,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%. प्लांट एंड मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन 3,10,000. डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट में आएगा नहीं, प्रॉफिट में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हमने लिया, डेप्रिसिएशन माइनस करके शो करना पड़ेगा. सेम वे फॉर फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 4,00,000. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% है 20,000. ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का न्यू बैलेंस आपको दिया है 21,00,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट प्रोविजन, प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है 5%, 1,05,000. कैश एट बैंक 7,00,000. कैश बैलेंस आपको दिया है 7,00,000. And lastly, inventories is equal to net trade receivables. Matlab, inventories will be equal to 19,95,000. Total find kijiye balance sheet ka.
तो नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स 15,10,000 दिया है, नेट प्रॉफिट इज 15,10,000। दो चीजें नेट प्रॉफिट में रिकॉर्ड होना बाकी थी, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट ट्रांसफर करेंगे टू पीएनएल एडजस्टमेंट, वो प्रॉफिट में से माइनस होना बाकी है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट दैट विल अपियर इन आर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री क्या होगा, सर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इज आर एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड शो करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस इट इज 25,000, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस सो इट विल बी क्रेडिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में इंश्योरेंस क्रेडिट साइड शो करेंगे। नेट प्रॉफिट विच इज नाउ एडजस्टेड इज 13,50,000, करेक्ट, नेट प्रॉफिट इज 13,50,000। बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल बैलेंस शीट में दिया है 51,00,000, ये कौन सी डेट का कैपिटल है, सर ये तो 1/1/18 का कैपिटल है, मतलब इसमें ड्यूरिंग द ईयर जो भी एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट नहीं गया है, देना पड़ेगा लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ऑफ दिस अमाउंट 3,06,000। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो करेंगे, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट दे चुके हैं वो लोग, प्रॉफिट में से माइनस कर चुके हैं, प्रॉफिट 13,50,000 एंड देन ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 6,20,000 दिया है, करेक्ट, ₹61,36,000। लायबिलिटी साइड अपार्ट फ्रॉम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रेड पेबल्स भी हैं, क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है, ट्रेड पेबल्स ऑन 31st December 13,84,000 के थे, एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी थर्टी वन लाख गिवन है एंड दैट प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करना है एट 10%। एसेट साइड फर्नीचर भी दिया है, सी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर दोनों का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो चेंजेस हुए वो रिकॉर्डेड नहीं है, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, although वो दोनों चेंजेस का इफेक्ट प्रॉफिट में तो जा चुका है, तो प्रॉफिट में हमको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कैश एट बैंक इज 5,20,000, कैश एट बैंक 5,20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं डेटर्स,
trade receivables. Trade receivables are of 21 lakh. 21 lakh. एंड ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट किया है हमने? 5% सर, 21 लाख का 5%. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 19,95,000. ₹77,05,000 will be total of your balance sheet, correct? So please pause and copy. So friends, let's start with question 4 of past exam questions. Question 4. From the following particulars, or following particulars are extracted from books of Mr. Sandeep for the year ended 31st December 2018. Trial balance is given. Other information mein closing stock diya hai. Expenses, outstanding and prepaid ka information diya hai. Commission received in advance hai. Interest on overdraft unpaid diya hai. Reserve for bad debt maintain karna hai 1000. Depreciation on furniture charge karna hai 10%. एंड आपको ये सारे प्रोविजंस करने के बाद फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं विद क्लोजिंग स्टॉक 4500. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड शो करेंगे. फिर दिया है सैलरी, आउटस्टैंडिंग है 100, सैलरीज 2500 दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 100, सैलरीज हम शो करेंगे इन पीएनएल. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 100, एंड दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी विल अपीयर इन आर लायबिलिटीज. सेम वे टैक्स 200 आउटस्टैंडिंग है. ट्रायल बैलेंस में टैक्स एंड इंश्योरेंस 500 दिया है. प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 200. इंश्योरेंस 50 इज प्रीपेड. तो ट्रायल बैलेंस में आपको टैक्स एंड इंश्योरेंस 500 दिया है, उसी में से माइनस करेंगे प्रीपेड. एंड प्रीपेड इंश्योरेंस विल अपियर इन आर एसेट्स. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 100 रुपीज दिया है. ट्रायल बैलेंस में देखिए कमीशन 500 दिया है, कमीशन रिसीव्ड.
received in advance, pre-received, is not income of this year, minus कर देंगे. That pre-received commission is our liability. Interest accrued on investments, 210. Interest accrued on investment is income. First of all, interest on investment is your income. और क्योंकि ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, रिसीवेबल है, दैट अक्रूड इंटरेस्ट विल ऑल्सो अपियर इन आर एसेट्स. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 300 इज अनपेड. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज योर एक्सपेंस. So interest on overdraft account debit to outstanding interest. Interest on overdraft expense hai, to P&L mein show karenge. Interest on overdraft is 300. And since this is your liability, balance sheet mein show karenge. Reserve for bad debt is to be kept at 1000. Reserve for bad debt. तो हमको पहले देखना है, debtors हमको दिया है 5000. Minus करेंगे reserve for doubtful, reserve for bad debt 1000. क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट देखिए दिया है. वी विल प्रिपेयर अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट या प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट. ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस क्रिएटेड लास्ट ईयर, और अभी एडजस्टमेंट में जो बोला है दैट बैलेंस वी नीड टू मेंटेन फॉर नेक्स्ट ईयर, वो बैलेंस हमको अगले साल के लिए रखना है. इवन दैट इज 1000. बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में 500 दिया है. बैड डेट क्लोज करके प्रोविजन में ही ट्रांसफर करेंगे, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. तो जो बैलेंस है जितना कम पड़ेगा वो इस साल के प्रॉफिट में से लाया जाएगा. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट 500. पीएनएल अकाउंट डेबिट to reserve for doubtful debt or to provision for bad debt. Depreciation furniture पे charge करना है 10%. तो furniture आपको trial balance में दिया है 1600. Depreciation at 10% will be 160. Depreciation on furniture आप transfer कर देंगे to your P&L. तो नाउ रिमेनिंग इफेक्ट्स इन ट्रायल बैलेंस. कैश इन हैंड 1500 दिया है. परचेजेस, परचेजेस 12000.
सेल्स रिटर्न दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है 1000, इन्वेस्टमेंट्स 4000, ओपनिंग स्टॉक 1400, drawings 2000, bills receivable 3000, capital 16000, bank overdraft liability है 2000, sales 9000 दिया है, and purchase return is 2000. Creditors 2000, commission we have recorded, bills payable 2500, we are getting a net loss of 2500. Net loss of 2500. Pause and copy.